तो मुझे मालूम है कि आप 30,000 रुपए की कीमत में फोन लेना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं कि मुझे एक 30,000 रुपए की कीमत में एक जबरदस्त फोन मिल जाए। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, इस वीडियो में टॉप 3 फोन बताऊंगा और तीनों फोन आपके बहुत ही जबरदस्त होंगे। तीनों फोन में से आप एक चूज कर सकते हैं। तो ये जो मैं फोन आप लोगों को बताने वाला हूँ, इनमें आप लोगों को खूबियां मिलने वाली है, बढ़िया प्रोसेसर मिलने वाला है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप मिलने वाला है, साथ ही साथ कैमरा परफॉर्मेंस और बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है। ये सारी खूबियाँ सभी को चाहिए होती हैं। तो इसमें आप लोगों को 8 से 6 GB रैम मिलेगी, जहाँ पे आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज 128 GB तक मिलेगा, साथ ही साथ ऊपर आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को बैटरी मिलेगी 5 से 4000 mAh बैटरी, और साथ ही साथ इन फोन्स में आप लोगों को एक बड़ी और ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिलेगी। कैमरा परफॉर्मेंस और साथ ही साथ परफॉर्मेंस जो आप लोगों को मिलेगी, जिसमें आप पबजी वगैरह बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। तो ये फ़ोन होने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम अपने OnePlus 6T से, जो कि आता है बहुत ही अच्छी प्राइस रेंज के साथ। इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और साथ ही साथ आप लोगों को बैटरी और साथ ही साथ आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में प्रोसेसर बहुत ही अच्छा SoC मिल जाता है। बात करेंगे अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो ऑक्टाकोर 2.8 GHz का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 8 GB रैम और 128 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। जहां पर डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.4 इंच की डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले होती है, जहां पर ड्यू ड्रॉप नॉच डिस्प्ले आप लोगों को मिलती है। साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। कैमरा परफॉर्मेंस में आप लोगों को 16+20 MP का कैमरा मिलता है, जो कि आपके बहुत ही अच्छे फोटो लेता है रियर से। जहाँ पर फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो 16 MP का रियर में भी कैमरा आप लोगों को मिलता है। स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा है। बैटरी की अगर यहाँ पर बात करें तो 3700 mAh की बैटरी आप लोगों को मिलती है। डैश चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, USB Type-C पोर्ट जैसे ऑप्शन आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलते हैं। तो फोन हो जाता है इन सारी खूबियों के साथ बहुत ही कमाल। साथ ही साथ आप लोगों को इसमें जो प्राइस मिलते हैं वो है 27,999 रुपये की कीमत के साथ आप लोगों को ये देखने को मिलता है। अब चलते हैं अपने दूसरे फोन की तरफ। हम अगर अपने दूसरे फोन की बात करें तो वो आता है ऑनर की तरफ से View 20 एक बहुत ही ज़बरदस्त फोन है। इसमें भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा फोन मिलता है। ये फोन दूसरे नंबर पर मैंने रखा है। अब क्यों रखा है अभी आप जान जाएंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ कमियां भी मिलती हैं। अब अगर इस फोन की बात करें तो इसमें आप लोगों को हाई सिलिकॉन कीरिंग 980 प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आप गेमिंग वगैरह तो बहुत ही ज़बरदस्त कर पाते हैं। जहाँ पे 8 GB रैम आप लोगों को मिलती है और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज इस फोन में मिलता है देखने को। साथ ही साथ 6.4 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। जहाँ पे कैमरे की अगर बात करें तो 48 MP का प्राइमरी कैमरा आप लोगों को मिलता है रियर में, जिससे आप कमाल की फोटो ले पाते हैं। 25 MP का आप लोगों को कैमरा मिलता है फ्रंट में, जिससे कि आप बहुत ही अच्छी सेल्फी वगैरह भी ले पाते हैं। 4000 mAh की बैटरी आप लोगों को मिलती है। सुपर चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, USB Type-C पोर्ट। इन सारी खूबियों के साथ बहुत ही अच्छा बन जाता है। जहाँ पर आप लोगों को जो ऑल पंच डिस्प्ले मिलती है वो बहुत ही अच्छा इसको बनाती है, जिसको हम इन डिस्प्ले कैमरा भी बोल सकते हैं, जो कि आजकल ट्रेंडी चल रहा है। और साथ ही साथ बैक से देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बात करते हैं हम अपने एक बहुत ही अच्छे फ़ोन, जो कि आता है हमारा पहले नंबर पे और वो कल ही लॉन्च हो जाएगा, 17 तारीख को लॉन्च होने वाला है। तो आप इस फ़ोन को ले पाएंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Xiaomi के Redmi K20 Pro की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। और इस फ़ोन में आप लोगों को मिलता है बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, और इसकी प्राइस उस प्रोसेसर के हिसाब से बहुत ही कम है। तो चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और प्राइस। यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टाकोर 2.8 GHz का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को 6 GB रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज साथ में देखने को मिलता है। जहाँ पे डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.3 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिलती है। कैमरे की बात करें तो 48+13+8 MP का कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पे फ्रंट में आप लोगों को 20 MP का कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की अगर यहाँ पर बात करें तो 4000 mAh की बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग मिलती है, USB Type-C पोर्ट जैसे ऑप्शन आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है इस फोन में। तो ये फोन बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है इन सारी स्पेसिफिकेशन के साथ, जहाँ पे आप लोगों को प्राइस बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, यानी कि 25,290 रुपये का ये फ़ोन आप लोगों को मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ आगे पीछे घट बढ़ सकता है, 100-500-200 रुपये, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। वैसे 25,000 रुपये की कीमत में ये आप लोगों को मिलने वाला है, और फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है इन सारी खूबियों के साथ। तो इन फोन्स में से आप लोगों को कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा, आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया, आप कौन सा फ़ोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और खूब शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।